एशियन गेम्स के बाद एक बार फिर नेपाल और मालदीव का होगा मुकाबला। फिर नेपाल मालदीव को करेगा ढेर। एक बार फिर कुशल मल्ला और रोहित पौडेल के बल्ले उगलेंगे आग। एक बार फिर अविनाश बोहरा कहर ढाने को तैयार। टीम वही, सिर्फ मैदान अलग। वो इस महीने की पहली तारीख थी और आज महीने की आखिरी तारीख है। तब जगह नेपाल से दूर चीन थी, लेकिन इस बार नेपाल की टीम अपने घर में मालदीव से मुकाबले के लिए उतरी। पहले मुकाबले में सिंगापुर को चारों खाने चित्त करने के बाद अब नेपाल के सूरमा अपना अगला शिकार मालदीव को बनाने के लिए बेताब हैं। ये वही मालदीव है जिसे कुछ दिन पहले ही नेपाल ने सिर्फ 74 रनों पर समेट दिया था। लेकिन कहते हैं क्रिकेट में इतिहास और रिकॉर्ड सिर्फ किताबों में ही अच्छे लगते हैं। दिन विशेष में कोई भी टीम किसी भी टीम की बखिया उधेड़ सकती है। यही वजह है कि नेपाल को किसी मुगालते में न रहते हुए मालदीव के साथ ये मुकाबला पूरी संजीदगी के साथ खेलना होगा। लेकिन मालदीव के दिमाग में नेपाली गेंदबाजों का वो कहर आज भी ताजा होगा। एशियन गेम्स के दूसरे मुकाबले में एक तरफ जहां नेपाल के बल्लेबाजों ने जबरदस्त तूफानी पारी खेलते हुए 20 ओवर में 212 रन का स्कोर मालदीव के सामने खड़ा किया था, जिसमें कुशल मल्ला और कप्तान रोहित पौडेल ने जबरदस्त पारी खेली थी। गुलशन झा ने भी अपने बल्ले से जलवे बिखेरे थे। लेकिन मालदीव को सबसे ज्यादा दहशत नेपाल के गेंदबाजों से होगी, क्योंकि मालदीव के खिलाफ सबसे शानदार गेंदबाजी करने वाले अविनाश बोहरा एक बार फिर कहर बरपाने के लिए टीम में मौजूद हैं। उस मुकाबले में अविनाश बोहरा ने 6 विकेट हासिल किए थे। दीपेंद्र सिंह एरी चोटिल हैं, ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि वो मालदीव के खिलाफ मैदान में उतर सके। लेकिन बल्लेबाजी में कुशल भुरतेल जबरदस्त फॉर्म में हैं। कुशल मल्ला वैसे भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। कप्तान रोहित पौडेल भी अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। गुलशन झा भी इसी टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में दीपेंद्र सिंह एरी की बहुत ज्यादा कमी खलने जा रही है, इस बात की संभावना कम ही है। फिर भी नेपाल टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए एक विशाल स्कोर मालदीव के सामने खड़ा करना चाहिए, जिससे मालदीव को आसानी से सस्ते में समेटा जा सके। पहले मुकाबले में फिरकी गेंदबाज संदीप लामिछाने भी जबरदस्त लय में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस बार मालदीव के लिए बड़ा खतरा संदीप लामिछाने बन सकते हैं, क्योंकि नेपाली जमीन में संदीप लामिछाने का कोई जोड़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेपाल की टीम कागजों में मालदीव से बहुत मजबूत है, और इससे पहले नेपाली खिलाड़ियों ने मालदीव को रौंदा भी है। ऐसे में ये मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।